आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट शीट, लागत विवरण। लागत लेखांकन में हमें किसी वस्तु की लागत ज्ञात करनी है तो हमें एक शीट तैयार करनी पड़ती है जिसे हम कॉस्ट शीट कहते हैं। कॉस्ट शीट जिसमें हम ये ज्ञात करते हैं कि उस किसी वस्तु को बनाने में कौन कौन सी लागतें लगेगी, कितना मटेरियल लगेगा, कितने फैक्ट्री खर्चे लगेंगे, कितने ऑफिस के लगेंगे, कितने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लगेंगे, और इन सब को जोड़कर हमें वस्तु की लागत ज्ञात कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के प्रारूप की बात करें तो कॉस्ट शीट में तीन कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है उसको हम पर्टिकुलर का कॉलम बोलते हैं। सेकंड अमाउंट के दो कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर और अमाउंट के दो कॉलम। ये तीन कॉलम होते हैं किसमें, कॉस्ट शीट में। अब शुरू करते हैं कॉस्ट शीट के सबसे प्रारंभ में। कोई भी वस्तु का अगर निर्माण करना है तो हमें कच्चा माल चाहिए, क्योंकि वस्तु का निर्माण करना तो कच्चा माल चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल के लिए हमें अगर कोई संस्थान नई शुरू हुई है तो उसके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा और ना क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि वो नई प्रारंभ हुई है। अगर संस्था पहले से चालू है तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल के लिए प्रारंभ स्टॉक हो जाएगा। जैसे जनवरी से दिसंबर की बात करते हैं तो 31 दिसंबर का जो स्टॉक है वो पिछले साल के लिए तो क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा, और 1 जनवरी होते ही वो ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक में हम जितना मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसको ऐड करेंगे। जैसे 5,000 का ओपनिंग स्टॉक है और 20,000 का हमने नया माल परचेज किया तो टोटल अमाउंट हो गया 5,000 और 20,000, टोटल हो गए 25,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया है लास्ट में तो उसको हम लेस करेंगे, जिसे 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो 25,000 में से 3,000 लेस करेंगे तो 22,000 हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब हुआ कि इतना मटेरियल इस वस्तु के निर्माण में काम आ गया। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आने के बाद में हम बात करेंगे डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर और प्रोडक्टिविटी लेबर या वेजेज, उसको हम ऐड करेंगे। किसमें करेंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में डायरेक्ट लेबर या उसका दूसरा नाम है प्रोडक्टिव वेजेज को ऐड करेंगे। और इसके अलावा अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई और खर्चे लगे हैं, इसके अलावा रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज के अलावा लगे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उन सब को जोड़कर जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। किसको, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड, इन तीनों का जो योग होता है उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, मूल लागत। ये हमारी हो गई मूल लागत। मूल लागत ज्ञात हो गई है
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमें फैक्ट्री की कॉस्ट निकालनी पड़ती है। कभी रॉ मटेरियल की प्राइम कॉस्ट तो मूल लागत तो ये है, अब उस प्रोडक्शन को आगे ले जाया जाता है कहाँ, फैक्ट्री में। फैक्ट्री की कॉस्ट लागत ज्ञात करने के लिए हमें फैक्ट्री ओवरहेड इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री से रिलेटिव खर्चे होते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं उसको। जैसे हम बात करें कि डायरेक्ट मटेरियल तो उसमें चला गया, इसमें मूल लागत में। डायरेक्ट मटेरियल के अलावा कोई मटेरियल लगता है जिसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करेंगे। इसी प्रकार डायरेक्ट वेजेज के अलावा कोई वेजेज और लगती है जिसको हम इनडायरेक्ट वेजेज बोलते हैं, उसको ऐड करेंगे। फैक्ट्री का किराया है, फैक्ट्री की लाइटिंग का खर्चा है, हीटिंग का खर्चा है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस का खर्चा है, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेज है, पावर एंड फ्यूल है, डेप्रिसिएशन और रिपेयरिंग का कोई खर्चा है, मेंटेनेंस है प्लांट का वो खर्चा है, फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी है और प्रोडक्शन के टाइम में कुछ मटेरियल वेस्टेज के रूप में हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रैप। स्क्रैप कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप को भी इसमें ऐड करते हैं। उसकी कॉस्ट कितनी है उसको ऐड करेंगे और हमने सेल कर दिया उससे कितना अमाउंट में मिला उसको लेस कर देंगे। और इन सब का टोटल करने के बाद में जो अमाउंट आएगा इसमें ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में, इन खर्चों को जोड़ेंगे या ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो हमें फैक्ट्री की कॉस्ट ज्ञात हो जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात होने के बाद में अगर हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक को तो ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। अगर नहीं दे रखा है तो हमें कोई संयुक्त ऐड या लेस नहीं करना है। अगर दे रखा है तो ऐड या लेस करना है, नहीं तो नहीं करेंगे। अब बात करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के खर्चे हो गए, फैक्ट्री खर्चे के बाद में हम बात करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेज। ऑफिस एक्सपेंसेज या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज दोनों एक ही बात है। इस हेड में ऑफिस से रिलेटिव खर्चे आएंगे। ऑफिस का रेंट हो गया, उसका टैक्स हो गया, ऑफिस सैलरी हो गई, डायरेक्टर की फीस हो गई, ऑफिस की लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग का खर्चा, स्टेबलिशमेंट चार्जेज, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेज, बैंक चार्जेज और जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस, ये कुछ उदाहरण हैं जिनको हम ऑफिस में ऐड करते हैं। इनको ऐड करने के बाद में हमें ज्ञात होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात करने से पहले एक चीज का हमें और ध्यान रखना है, फिनिश गुड्स का। अगर हमारे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक है और अब क्लोजिंग स्टॉक बच गया कुछ, तो वो प्रोसेस पहले वाले करनी है। ओपनिंग स्टॉक को तो ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है। ये सब करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। आने के बाद में हम जोड़ेंगे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को, क्या करेंगे लेस, तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऑफिस के खर्चे जोड़ने के बाद आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का ट्रांजेक्शन करने के बाद में आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में हम एक हेड और बचता है, इसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इस पार्ट में हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन